नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल AMS एजुकेशन में। आज हमारा टॉपिक है असर्टिवनेस ट्रेनिंग। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म हमारा असर्टिव बिहेवियर। क्या है असर्टिव बिहेवियर? असर्टिव बिहेवियर प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ पर्सनल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। पर्सनल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रमोट करता है और ये दोनों ही कंपोनेंट हमारे इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसकी कमी हमें किस में देखी जाती है? उन लोगों में जिसे इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं। पर्सनल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको प्रमोट करता है क्या? असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर हमें हेल्प करता है कि हम खुद के बारे में अच्छा सोचें और साथ ही साथ हमारा सेल्फ एस्टीम इस वजह से इंक्रीज होता है। ये हमें हेल्प करता है दूसरों के बारे में अच्छा सोचना और उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, सैटिस्फाइंग रिलेशनशिप डेवलप कर पाना, जिसमें ऑनेस्टी, डायरेक्टनेस, अप्रोप्रिएटनेस होता है और रेस्पेक्ट भी होता है। ऑनेस्टी एक बेसिक कंपोनेंट है आपके असर्टिव बिहेवियर के लिए। इसका मतलब ये है कि आपके मन में जो है वही आप सामने वालों के बोल रहे हो, उनके सामने अपनी पूरी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहे हो, तो उसे हम ऑनेस्ट बोलते हैं। सेकेंड है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब सीधी बात करना क्लैरिटी के साथ, बिना किसी हिंट या टॉन्ट के बिना, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तीसरा पॉइंट था हमारा अप्रोप्रिएट, मतलब समय के अनुसार, जगह के हिसाब से हम जो बात कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। ये है अप्रोप्रिएटनेस। और इन टोटल इसे हम कहते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें ऑनेस्टी है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, अप्रोप्रिएटनेस है और रेस्पेक्ट है। इस सब को मिला के हम बोलते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रेस्पॉन्स पैटर्न। एज एन इंडिविजुअल जब दूसरे इंडिविजुअल से कम्युनिकेट करते हैं, इंट्रैक्ट होते हैं, तो वो रेस्पॉन्स पैटर्न डेवलप करते हैं। तो क्या क्या रेस्पॉन्स पैटर्न्स है? फोर टाइप्स है। फर्स्ट इज नॉन असर्टिव बिहेवियर, सेकेंड इज असर्टिव बिहेवियर, थर्ड अग्रेसिव एंड फोर्थ इज पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। तो पहला अपन देखते हैं नॉन असर्टिव बिहेवियर। नॉन असर्टिव बिहेवियर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो दूसरों को प्लीज करना चाहते हैं, भले ही इसमें उनकी इच्छाएं दब जाए। वो दूसरों को खुश करना चाहते हैं, उनके अनुसार चलते हैं और इस तरह से वो अपने विशेष को, अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। वो ये चाहते हैं कि दूसरे लोग उनकी फीलिंग्स को समझें और उनकी विश पूरी करें। इस तरह से वो हमेशा हर इच्छाओं को वो दबाते रहते हैं, कभी खुलकर किसी से बातचीत नहीं कर पाते कि उनके मन में क्या है, उनकी इच्छा क्या है, इस बारे में वो कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते। और इसी वजह से उनकी जो वॉइस रहती है वो थोड़ी सी हेजिस्टेंट रहती है, वीक रहती है और एक्सप्रेस करने की कमी होती है। उनकी आंखें हमेशा नीचे की ओर झुकी हुई रहती हैं। वो लोगों से बातचीत करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं और कभी किसी को वो कन्फ्रंट नहीं कर पाते। तो ये था पहला पॉइंट, नॉन असर्टिव बिहेवियर। सेकंड हम देखते हैं असर्टिव बिहेवियर, जो कि हमने स्टार्टिंग में हमने इसका मीनिंग समझ लिया था, फिर से हम देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट असर्टिव बिहेवियर, ये वो इंडिविजुअल है जो अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं और अपने राइट्स की प्रोटेक्शन भी करते हैं। अपनी फीलिंग्स को ये अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ओपनली, ऑनेस्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी चॉइसेस के लिए लेकर, सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन करते हैं और साथ ही साथ दूसरों का भी रेस्पेक्ट मेंटेन करके चलते हैं, सबको इक्वालिटी के रूप में देखते हैं और ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन करके रहते हैं। इनकी वॉइस वार्म होती है, एक्सप्रेसिव रहता है, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करके चलते हैं, कम्युनिकेशन इनका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है और रिस्पेक्टफुल होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप विद अदर्स। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, असर्टिव बिहेवियर, या कह सकते हैं जस्ट अपोजिट ऑफ नॉन असर्टिव बिहेवियर। तीसरा पॉइंट अपन देखेंगे अग्रेसिव बिहेवियर। इसमें इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, वो खुद के राइट को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए वो दूसरे के राइट्स को वायलेट करते हैं। फीलिंग्स जो ये एक्सप्रेस करते हैं वो डिसऑनेस्ट होता है और इनअप्रोप्रिएट होता है। वो दूसरों की फीलिंग्स की कद्र नहीं करते हैं और इसी वजह से वो दूसरों को हर्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, वो दूसरों की वैल्यू नहीं समझते। ये इंडिविजुअल हमेशा अपने आप को सुपीरियर कहलाते हैं और उनका जो वॉइस रहता है वो इसी वजह से लाउड रहता है, डिमांडिंग और गुस्सेल रहता है। आंखें हमेशा इनकी दूसरों को घूरते रहेगी ताकि वो अपना डोमिनेशन दिखा सके। इनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप
रुका हुआ रहता है, डेवलप नहीं हो पाता। तो ये था थर्ड पॉइंट, अग्रेसिव बिहेवियर। फोर्थ पॉइंट अपन देखेंगे, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। इसमें इंडिविजुअल अपने राइट्स को डिफेंड करते हैं बाय रेजिस्टेंस टू सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिमांड्स, मतलब कि वो दूसरों की बातों को नहीं फॉलो करेंगे, सिर्फ अपने राइट्स की ओर देखेंगे। इनका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग रहता है जो वो सोच रहे हैं। ये दूसरों को अलाउ करते हैं कि उनके लिए वो चॉइस करें, लेकिन इसे वो मानते नहीं हैं और रीज़न देंगे फॉरगेटफुलनेस का, कि वो भूल गए थे और वो उन्होंने उनका इसलिए वो काम नहीं किया है, बट एक्चुअल में वो काम वो नहीं करना चाहते थे। ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, मतलब दूसरों से बहस कर सकते हैं ये अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए। ये भी डोमिनेट करना चाहते हैं लेकिन शांति से अपने अग्रेशन को दबा कर। ये लोगों के सामने अग्रेशन नहीं दिखाते लेकिन पीछे अपने मन में वो अपना कार्य कर लेते हैं, अपना मनमानी कार्य कर लेते हैं। सो दिस इज़ पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। इनका जो कॉन्फिडेंस रहता है वो लो रहता है, एक्सट्रीमली लो। सो दिस वर द फोर टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स पैटर्न। फर्स्ट वॉज असर्टिव बिहेवियर, नॉन असर्टिव बिहेवियर, थर्ड वॉज अग्रेसिव बिहेवियर एंड लास्ट वॉज पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। नाउ वी विल सी बिहेवियरल कंपोनेंट्स ऑफ असर्टिव बिहेवियर। तो क्या क्या कंपोनेंट्स है? फर्स्ट इज आई कॉन्टैक्ट, सेकेंड बॉडी पोस्चर, थर्ड इज डिस्टेंस, फोर्थ गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस, फ्लुएंसी, टाइमिंग, लिसनिंग, थॉट्स, कंटेंट। तो ये सब टेक्निक्स है असर्टिव बिहेवियर। असर्टिवनेस का मतलब हमने शुरू में देख लिया है कि खुद के राइट्स के लिए खड़े होना, पॉजिटिव रखना, ऑनेस्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएट और डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो टेक्निक्स भी थोड़े बहुत सिमिलर, आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा जो टर्म्स है उसी से। तो पहला पॉइंट है हमारा आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट हमेशा आमने सामने मेंटेन करके रखना है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो हमेशा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकता है और इससे ये भी पता चलता है कि सामने वाला आप पर आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो ये पहला पॉइंट है हमारा आई कॉन्टैक्ट। सेकेंड है बॉडी पोस्चर। जब हम बैठ के बात कर रहे हैं तो स्लाइटली थोड़ा सा हम झुकाव रखते हैं सामने तरफ, तो वो सजेस्ट करता है कि हम एक्टिवली सामने वाले की बात सुन रहे हैं, तो दैट इज़ बॉडी पोस्चर। थर्ड इज डिस्टेंस। जब दो इंडिविजुअल बात कर रहे हैं तो उनके बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए फॉर टॉक इंट्रैक्शन, ताकि हेल्दी कन्वर्सेशन हो सके। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आवाज़ सुनाई ना दे, और बहुत ज़्यादा पास ही ना कि एक दूसरे को अनकम्फर्टेबल फील हो। तो ये है डिस्टेंस। नाउ फोर्थ इज गेस्चर। गेस्चर आपका ऐसा होना चाहिए जिससे एक्सप्रेस हो सके एम्फेसिस, वार्म्थ, डेप्थ और पावर टू द स्पोकन वर्ड। नाउ फिफ्थ इज फेशियल एक्सप्रेशन। अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन अलग अलग मैसेजेस एक्सप्रेस करते हैं, कन्वे करते हैं, जैसे कि स्माइल, एंगर, फियर, ये डिफरेंट एक्सप्रेशन है जिससे कुछ मैसेजेस इन शेयर होते हैं, समझ जाता है सामने वाला कि सामने वाले के मन में क्या है। नेक्स्ट इज वॉइस। लाउड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, पर ये एक पॉजिटिविटी का साइन है। सेवेंथ इज फ्लुएंसी। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है तो आप कॉन्फिडेंट होंगे और आप उसको फ्लुएंटली कन्वे कर सकोगे, अपने मैसेज को अच्छे से बता पाओगे, तो असर्टिवनेस दिखेगा। सो दिस इज फ्लुएंसी दैट रिप्रेजेंट नॉलेज एंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आठवां है टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब ये है कि आपका जो मैसेज है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए और एट द सेम टाइम वो समय के अनुसार होना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट है लिसनिंग। असर्टिवनेस लिसनिंग मीन्स गिविंग द अदर इंडिविजुअल फुल अटेंशन। अगर आप सुन रहे हो मतलब आप उनको पूरा अटेंशन दे रहे हो बाय गिविंग मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, नॉडिंग। नॉडिंग मतलब हाँ मिलाना। तो ये था लिसनिंग। नेक्स्ट है थॉट्स। कॉग्निटिव प्रोसेस अफेक्ट करता है असर्टिव बिहेवियर को। तो दो सच प्रोसेस है, एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ असर्टिव बिहेवियर और दूसरा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ असर्टिव बिहेवियर फॉर हिमसेल्फ और फॉर हरसेल्फ। मीन्स आप जब किसी और के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपको समझना है कि आपका जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट है इन जनरल या फिर अप्रोप्रिएट है आपके खुद के लिए। दोनों में डिफरेंस पता लगा के आप प्रॉपर बिहेव करेंगे, दैट इज़ असर्टिव बिहेवियर। लास्ट इज कंटेंट।
कंटेंट, आपको सब्जेक्ट मैटर समझना है कि आप सामने वाले से इंटरेक्ट कर रहे हो वो उसको हर्ट तो नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज आपको अपने को हर्ट नहीं करना है इस वजह से आप दूसरों को हर्ट ना करें, आपको ये समझना होगा। तो ये था आपका आखिरी पॉइंट, कंटेंट। आपको दोनों का वर्थ, दोनों का सेल्फ एस्टीम मेंटेन करके बिहेव करना है। सो दिस वॉज द लास्ट पॉइंट, कंटेंट। तो ये थे बिहेवियरल कंपोनेंट्स ऑफ असर्टिव बिहेवियर। अब हम देखते हैं टेक्निक्स दैट प्रमोट असर्टिव बिहेवियर, जिसमें पहला पॉइंट है स्टैंडिंग अप फॉर वंस बेसिक ह्यूमन राइट्स, मीनिंग आपको हमेशा अपने राइट्स के लिए खड़े होना चाहिए, अपने राइट्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, क्या आपका ओपिनियन है, क्या आपका राइट्स है, उसे हमेशा एक्सप्रेस करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस ओन स्टेटमेंट, आपने जो कहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है। जैसे कि आप सामने वाले को कह रहे हो कि आज मैं बाहर नहीं जा सकता, बाहर नहीं जाना चाहता, ना कि आज मैं आपके साथ बाहर नहीं जा सकता, इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर आपकी विश की कमी दिखाई दे रही है, पावर की कमी दिखाई दे रही है। तो आप खुल के बताइए कि मैं आज बाहर जाना नहीं चाहता, तो दैट इज़ अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस ओन स्टेटमेंट। थर्ड है रिस्पॉन्डिंग एज अ ब्रोकन रिकॉर्ड, मतलब परसिस्टेंटली आपको अपने स्टेटमेंट को बोलते रहना चाहिए विद काम वॉइस। परसिस्टेंट मतलब बार बार आप अपनी इच्छा को जाहिर करिए। जैसे कि आपको एक फ़ोन कॉल आया है, आपको एक पॉलिसी के बारे में ऑफर कर रहा है, तो आप ये कहेंगे कि मुझे ये पॉलिसी नहीं चाहिए, तो सामने वाला फिर बोलेगा कि इससे आपको ये फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा, लेकिन आप फिर से बोलेंगे कि मुझे अभी पॉलिसी नहीं चाहिए, तो इससे आपका स्टेटमेंट क्लियर होगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो दैट इज़ ब्रोकन रिकॉर्ड। नाउ फोर्थ इज अग्रीइंग असर्टिवली, अपने बारे में कुछ पॉइंट है जो सामने वाले ने एरर बताया है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एडमिट कर रहे हो, उसे हम कहते हैं अग्रीइंग असर्टिवली। फिफ्थ पॉइंट है इंक्वायरिंग असर्टिवली, इसमें हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं कुछ इंसिडेंट के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बारे में किसी ने कहा कि आपका आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा लाउड था, तो आप पूछेंगे सही में कहाँ पर लाउड था, कहाँ पर आपको गलती लगा, तो वो बताएंगे कि प्रेजेंटेशन के दौरान एक पॉइंट में आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे, तो दैट इज़ इंक्वायरिंग असर्टिवली, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेना किसी इंसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉगिंग, इसमें हम क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करते हैं बिना एंजाइटी के या फिर डिफेंस करते हुए। फॉर एग्जाम्पल आपसे सामने वाला कह रहा है कि आप बहुत सारी मीटिंग को मिस कर देते हो, पता नहीं आप क्यों इस कमिटी में हो, तो आप कहेंगे हाँ ये होता है मेरे से कि मैं बहुत सारी मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर पाता हूँ। सो दिस इज फॉगिंग, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफ्यूजिंग, कन्वर्सेशन या डिस्कशन को थोड़ा सा पुटअप कर देना, पुट ऑफ कर देना, जब तक कि सामने वाले इंडिविजुअल का गुस्सा थोड़ा शांत ना हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजिंग। तो ये थे टेक्निक्स ऑफ असर्टिव बिहेवियर, पहला था स्टैंडिंग अप फॉर वंस ओन ह्यूमन राइट्स, सेकेंड अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस ओन स्टेटमेंट, थर्ड ब्रोकन रिकॉर्ड, फोर्थ अग्रीइंग असर्टिवली, फिफ्थ इंक्वायरिंग असर्टिवली, सिक्स्थ फॉगिंग और सेवन्थ था डिफ्यूजिंग। नेक्स्ट हम जाते हैं हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक थॉट स्टॉपिंग टेक्निक, असर्टिव थिंकिंग समटाइम्स इनहिबिटेड बाय रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स, मतलब कि हम असर्टिव बिहेवियर अपनाना चाहते हैं लेकिन नेगेटिव थॉट्स परसिस्टेंटली अगर हमारे माइंड में आता है तो वो इनहिबिट हो जाता है। जैसे कि इंडिविजुअल जिसका सेल्फ एस्टीम कम है, लो है, वो ये बोलेंगे कि मेरे साथ कोई बात करना नहीं चाहता, कोई मेरे साथ बाहर घूमने नहीं जाना चाहता, कोई मेरे से दोस्ती नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता मैं कभी अच्छा जॉब कर पाऊँगी, कभी मेरा प्रमोशन हो पाएगा, तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स कॉन्स्टेंटली आता रहता है और इस वजह से असर्टिव बिहेवियर इनहिबिट होता है, डेवलप नहीं कर पाता। तो इसको रोकने के लिए हम लोग टेक्निक का यूज़ करेंगे जो कि जोसेफ वुल्फ ने इंट्रोड्यूस किया था, साइकियाट्रिस्ट जोसेफ वुल्फ, तो दैट इज़ थॉट स्टॉपिंग टेक्निक। हम इसका मेथड देखते हैं क्या होता है इस मेथड में। प्रैक्टिस सेटिंग में इंडिविजुअल अपनी आँखें बंद कर देते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने थॉट्स के बारे में, और जैसे ही माइंड में क्लियर थॉट एग्जिबिट होता है, इस्टेब्लिश होता है, वो ज़ोर से चिल्लाते हैं स्टॉप। इस सेक्शन की वजह से जो थॉट है वो इंटरप्ट हो जाता है और इंडिविजुअल के अवेयरनेस से वो रिमूव हो जाता है। इसके बाद इंडिविजुअल तुरंत ही इमीडिएटली
अपने पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाता है, शिफ्ट करता है, जिससे उसे प्लेजर मिलता है। एक बार फिर हम मेथड को देखते हैं। प्रैक्टिस सेटिंग में इंडिविजुअल बैठेगा या खड़ा है, जहाँ भी है, अपनी आंखें बंद करेंगे। फिर इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने अनवांटेड थॉट्स पे, जो थॉट उनके माइंड में चल रहा है। जैसे ही वो क्लियरली एस्टैब्लिश होता है, वो ज़ोर से चिल्लाएंगे स्टॉप, और इस वजह से उनका जो थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव थॉट है, वो इंटरप्ट होगा और धीरे से वो अवेयरनेस से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद वो अपने प्लेजरेबल एक्सपीरियंस या थॉट्स पे फोकस करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी इसके बाद ये हो सकती है कि वो थॉट्स बार बार नेगेटिव थॉट फिर से वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर हम बार बार यही प्रैक्टिस करेंगे तो जो लेंथ है, टाइम है, फ्रीक्वेंसी है नेगेटिव थॉट्स आने के, वो कम हो जाएंगे और धीरे से बंद हो जाएंगे। तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ थॉट स्टॉपिंग टेक्निक। और ये भी है कि इस टेक्निक का हम यूज़ पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप जब समय मिले, जब टाइम मिले, आप इसको अगर फॉलो करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक होता है एंड यू विल डेवलप असर्टिव बिहेवियर। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट असर्टिवनेस ट्रेनिंग, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था टर्म्स असर्टिव बिहेवियर, असर्टिव कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्स पैटर्न्स, देन बिहेवियर कंपोनेंट्स, टेक्निक्स, और लास्ट में थॉट स्टॉपिंग टेक्निक। उम्मीद है आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दे सकते हैं, और कोई टॉपिक प्रायोरिटाइज करना है तो वो टॉपिक के बारे में ज़रूर बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाएंगे। थैंक यू।